student welcome in this new lecture series of power system 1 myself uh, dr brijesh singh from kite group of institution and here we are going to discuss the topic mechanical design of a transmission line this is a part 1 so uh, friends as we know uh, the transmission line having the two kind of things one is your, your mechanical part and design part and the second is your electrical design part so when we are saying that the uh, electrical design part, so our motive is to know that what are the parameters of the line, uh, uh, what is the resistance, inductance, and capacitance of the transmission line. Then uh, uh, we uh, we can evaluate the overall performance of a transmission line on the basis of the network parameter concept, like uh, using ABCD parameter and uh, using uh, uh, the uh, efficiency of the uh, uh, overall transmission line. But when we are talking about the mechanical design of any transmission line, so the major thing we, uh, which is came into the, our mind is what, okay, what are the component which is required to make a transmission line, then why uh, these components are needed in, in any system, what is the role of those component, now how uh, those components are. सपोर्टिंग द इंटायर ट्रांसमिशन सिस्टम एंड वट विल बी द परफॉर्मेंस ऑफ दोज सिस्टम तो इस तरह के कई क्वेश्चन हमारे माइंड सेट में आते हैं सो आवर ऑब्जेक्टिव हियर आवर ऑब्जेक्टिव इज टू अंडरस्टैंड दोज थिंग और द दोज कॉन्सेप्ट सो द फर्स्ट थिंग इज योर मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन सो मैकेनिकल मीन्स ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन कैन बी कैटेगराइज एज अगर हम पूरे ट्रांसमिशन लाइन डिज़ाइन को कैटेगराइज करें तो मैंने पहले ही कहा दैट कैन बी कैटेगराइज इन टू द टू पार्ट इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड द मैकेनिकल डिजाइन सो इन प्रेजेंट स्टडी द मैकेनिकल डिज़ाइन इज कंसिडर्ड ठीक है हम यहाँ पर मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन की बात करेंगे सो नाउ द ओवर हेड लाइन इंक्लूड द नंबर ऑफ कंपोनेंट एज वी नो अगर हम इस फिगर को देखें सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रक्चर वेयर दिज आर नोन एज द ट्रांसमिशन लाइन सपोर्टिंग सिस्टम और यू कैन से द ट्रांसमिशन टावर एंड इन बिटवीन दिस टावर यू हैव प्लेस योर ट्रांसमिशन कंडक्टर जो जो हमारे पावर को कैरी करते हैं सो इट इज ऑलवेज प्लेस डेट अर्ट एंड हाइट अर्थ से हम सर्ट एन हाइट पर प्लेस करते हैं और इसी के बेसिस पे हम इस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे कि द ओवर लाइन इंक्लूड द नंबर ऑफ कंपोनेंट वाट आर द मेजर कंपोनेंट्स कंडक्टर लाइन सपोर्ट्स एंड इंसुलेटर एंड पोल फिटिंग सो अगर हम किसी ट्रांसमिशन टावर को देखें सो वी कैन ऑब्जर्व देट देर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स एक हमारा कंडक्टर है यानी जो हम जिसके थ्रू हम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरा हमारा लाइन सपोर्ट है यानी कंडक्टर को हम जिस टावर पे माउंट करने के लिए जिस सपोर्टिव सिस्टम को बना रहे हैं जिसको हम ट्रांसमिशन टावर भी बोल रहे हैं सो दैट इज़ द ट्रांसमिशन पोल ट्रांसमिशन टावर or you can say that line support and third major thing is your insulator and pole fitting insulators are basically what because you know that ki your supportive system is a metallic structure and conductor is also metallic because you require to transfer the power through these conductor so abhi in dono ko electrically isolate karna hai so how we can isolate the two conductors by using the dielectric medium सो बाई इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम और बाई इंसर्टिंग अ इंसुलेटर तो अभी हम एक इंसुलेटर इसके बीच में माउंट करेंगे तो so, आपने ट्रांसमिशन टावर पे देखा होगा कि एक इस तरह का डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर आपका होता है जहाँ पर बॉटम में आपका टावर ये आपका टावर पे है और ये जो डिस्क स्ट्रक्चर होते हैं दीज आर नोन एज अ इंसुलेटर्स सो आगे के लेक्चर्स में हम उसके बारे में डिटेल में बातें करेंगे सो नाउ द पर्पज ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर टू प्रोवाइड द सफिशियंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ फर्स्ट थिंग कि ये जो हमारा पूरा इंटायर स्ट्रक्चर है इसका पर्पस है कि इंटायर ट्रांसमिशन सिस्टम को सफिशियंट अमाउंट में मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे टू विस्टैंड द वर्स प्रॉबेबल वेदर कंडीशन यानी नॉट ओनली द नॉर्मल सिचुएशन इन वर्स्ट वैदर सिचुएशन में भी आपका यह स्ट्रक्चर सपोर्ट करना चाहिए सो लाइक ट्रॉ और लाइक हैवी वाटरफॉल आइस लोडिंग हैवी विंड वेलासिटी सो इन दैट सिचुएशन ये सारी चीज़ें मीन्स हमारा टावर होना चाहिए इसको हैंडल करने के लिए नौ दिस इज़ द रिक्वायर टू एंश्योर द कनेक्टिविटी ऑफ ऑपरेशन ऑफ लाइन्स विद द प्रॉपर मैकेनिकल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और इसका पर्पज़ है कि हम पावर की जो कॉन्टीन्यूटी है यानी रिलाईबिलिटी है कॉन्टीन्यूटी ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटायर लाइन उसको एश्योर कर सकें विथ सेफ्टी फैक्टर्स यानी सेफ्टी के साथ हम पावर को ट्रांसफ़र कर सकें यानी चाहे स्ट्रॉन्ग में वर्स सिचुएशन में भी अगर पॉसिबल हो इफ इट इज़ फिजिबल तो हम पावर की कॉन्टीन्यूटी को ब्रेक ना करें एंड दे दिस ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफर्स द पावर टू द वन इन टू अनादर इन सो नाउ वाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द मैकेनिकल डिज़ाइन सो अगर हम देखें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो पूरे इंटायर सिस्टम के मींस uh, डिज़ाइन uh, <coughs> को इफेक्ट करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज़ द सेलेक्शन ऑफ लाइन रूट एज वी नो कि द ट्रांसमिशन लाइंस आर बेसिकली कवर्स द मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया अगर आप देखो तो जोग्राफिकल एरिया में एवरी टाइप ऑफ जोग्राफिकल एरिया को ये कवर करता है यानी आप एक एंड से दूसरे एंड को कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू ट्रांसमिशन लाइन सो मे बी पॉसिबल कि इन बिटवीन दैट रूट मे बी हिली एरियाज़ आर देयर मे बी सब अर्बन एरियाज़ आर देयर मे बी सम रिवर बेड मीन्स लॉट ऑफ जोग्राफिकल स्ट्रक्चर लॉट ऑफ जोग्राफिकल वेराइटी और द वेरिएशन यू कैन सीन इन टू इन बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड्स यानी ट्रांसमिशन लाइन के बीच में आप देख सकते हो तो अभी क्या है कि जो जो रूट है जिस रूट से हम लाइन को ले जा रहे हैं वो एक बड़ा फैक्टर है हमारे लिए मैकेनिकल डिज़ाइन को अफेक्ट करने में दूसरा क्या है कि क्योंकि लाइन को इस ट्रांसमिशन इस्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है और साथ साथ मेन्टेनेंस भी प्रोवाइड करना है सो दिस ट्रांसमिशन लाइन शुड भी कनेक्टेड विद द प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होगी सो यू कैन मेंटेन द ट्रांसमिशन लाइन आफ्टर एरक्शन सो आफ्टर एरक्शन एंड कमिश्निंग मैंटेनेंस के लिए भी हमको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए देन टाइप ऑफ टावर एंड पोल कौन सा टाइप का टावर और पोल हम प्रेफर कर रहे हैं लाइन को कैरी करने के लिए सो इफ़ यू कैन सी दैट कि अगर हम हाई वोल्टेज एप्लीकेशन में जाएं, इफ यू रिक्वायर टू ट्रांसफर द बल्क अमाउंट ऑफ द पावर, सो ऑब्वियसली योर कंडक्टर साइज़ इज लार्ज एंड इफ योर कंडक्टर साइज़ इज लार्ज देन योर सपोर्टिव सिस्टम इज़ ऑल्सो बिकम अ लार्जर वन सो यू रिक्वायर्ड अ प्रॉपर सेलेक्शन ऑफ प्रॉपर पोल फॉर माउंटिंग दिस कंडक्टर सेकेंड ग्राउंड एंड कंडक्टर कंडक्टर क्लियरेंस हमें यह भी एश्योर करना है कि जो हमारा कंडक्टर है वो सरफेस से एक सफिशियंट हाइट पे हो यानी एक प्रिस्क्राइब्ड हाइट पे हो जो कि हमें डेंजर जोन से बाहर रखे अदरवाइज क्या होगा कि कंडक्टर अगर काफ़ी मीन्स अर्थ सरफेस के नियरेस्ट होगा सो इट विल बी अफेक्ट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इट विल क्रिएट अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम नॉट ओनली द वेरिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इट इज ऑल्सो हेडारीन्स नॉट मीन्स हेल्प मींस यू कैन से इट इज इज अ डेंजरस वन फॉर द ऑल द लिविंग स्ट्रक्चर सो द क्लियरेंस ऑफ कंडक्टर इज डिसाइड नॉट ओनली बाई द इलेक्ट्रिकल कंसिडरेशन ऑफ वर्किंग वोल्टेज बट ऑल्सो मैकेनिकल फैक्टर्स सचैसे लेंथ स्पैन वेट ऑफ कंडक्टर प्रिवेंसन अगेंस्ट द विंडायरेक्शन आइस लोडिंग सो ये सारे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं सिमिलरली अगर हम टावर स्पेसिंग और इस्पैन लेंथ की बात करें

एंड द स्पैन लेंथ इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर देन द मैकेनिकल लोडिंग आप पूरे सिस्टम पर कितना मैकेनिकल लोडिंग डाल रहे हो अपार्ट फ्राम योर कंडक्टर देर आर देर आर अदर सपोर्टिव कंपोनेट्स आर रिक्वायर्ड टू माउंट ऑन अ टावर सो द मैकेनिकल लोडिंग डिपेंडिंग अपॉन द स्पैन लेंथ टाइप ऑफ कंडक्टर मटेरियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर सैग लेवल यानी जो कंडक्टर का कैटनरिक का वो बन रहा है वो कितना नीचे आ रहा है and the differences between the adjacent tower is pe depend karega so these are the some factors which is which affects your mechanical design then the second major thing is the line support me so line support hamara major component so the line supports are the pole which supports an overhead transmission line and they should should be equipped with carry should equipped to carry the load of the conductor including additional weight

So, number of kind of uh, poles are used for uh, transmission system. So, some selective uh, we have taken here. That is the first one is the wooden one. So, as you can see from the picture, uh, normal uh, a wooden pole will be taken as a, a transmission line pole. The advantage is what for the low voltage, low power distribution. These are used. Maximum span is up to the 60 meter. Wooden poles are elastic and the protected by the metallic cap. जनरली ये इलास्टिक होंगे और मेटेलिक कैप से प्रोटेक्ट किए जाएंगे ईजी टू इंस्टॉल एंड चीप वेन कंपेयर्ड विद द अदर वेराइटीज बहुत इसको इंस्टॉल करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टावर बट द मेजर डिसएडवाटेज ऑफ वुड एन पोल इज़ टू देयर टेंडेंसी टू डिटोरिएट एट द ग्राउंड लेवल पोल वुड एन है सो ग्राउंड लेवल पर क्या होगा इसका डिटोरिएशन होगा ड्यू बिकॉज ऑफ मॉइस्चर वेट सिचुएशन वाटर का रिएक्शन लॉट ऑफ थिंग्स आर लिंक्ड विथ योर वुड एंड कंडक्टर्स तो ये सारे इफेक्ट देखने को मिलेंगे एंड द लाइफ स्पैन इज मैक्सिम अप टू ट्वेंटी फाइव टू थर्टी ईयर्स सो सो इन जनरल वुड एंड पोल्स आर यूज फॉर द लो वोल्टेज एप्लीकेशन एंड इन जनरल एप्लीकेशन नेक्स्ट दैट इज योर ट्यूबलर स्टील पोल सो ट्यूबलर स्टील पोल्स आर बेसिकली दीज आर मेड बाई द स्टील एंड अराउंड वोल्टेज अप टू थर्टी थ्री किलो वोल्ट वी आर यूजिंग

Uh, means you can say that ki, this one is the most uh, important uh, part of a power system uh, transmission system that is a uh, lattice steel tower. This is हैं transmission tower and you have seen this kind of uh, structure everywhere. So, for the high voltage application for a large scale power transfer we are using this type of supportive system this is made by ste galvanized steel angles and they having a very strong uh, their strength is very high and they can carry the uh, high amount of the wind and the ice loading pressures. So, uh, these are towers are robust in construction, the maximum span is possible is 300 meter and above. So, that is the good thing is related to that minimum tower requirement. Voltage level you can go beyond the 66 kilo volt, then they are mechanically very strong and long life and they can withstand the severe climatical condition during the wind pressure or the ice loading.

द कंडक्टर विल फॉर्म अटनरी इट इज फॉर्म लाइक अ कैटनरी कर्व तो ये एक तरह का कैटनरी कर्व फॉर्म करेगा एंड इसी कैटनरी कर्व का हॉरिजेंटल एक्सिस से जो हमारा डिस्टेंस होगा सपोज दिस इज अ डिस्टेंस एस सो द डिस्टेंस ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर जो लोएस्ट पॉइंट है ठीक है जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर है इसके जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे सैग ऑफ़ द कंडक्टर सो ये जो कैटनरी uh, शेप uh, बन रहा है इसकी वजह से हमें सैग ऑफ़ द कंडक्टर देखने को मिल रहा है और ये सैग किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा सो सैग इज़ वेट ऑफ द कंडक्टर एक मेजर फैक्टर होगा ड्यू बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द कंडक्टर अगर इफ़ वेट इज़ लार्ज सो सैग विल बी इंक्रीज सो वेट इज़ अ मेजर फैक्टर लेंथ ऑफ द स्पैन इफ़ योर डिस्टेंस बिटवीन द टावर अगर हम इस टावर के बीच में लेंथ ज़्यादा रखेंगे कंडक्टर की स्पैन सो यू कैन से दैट कि दफ योर इस्पेन इज़ लार्ज सो मे बी पॉसिबल दैग विल भी इंक्रीज और सैग उसके साथ जुड़ा होता है देन वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेंथ इसके साथ हमारा एक और जो मेजर कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है सैग के साथ वो ये है कि जो हमारा टेंशन हम टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं कंडक्टर को इफ़ इट इज़ अ लार्ज हाई सो यू कैन रिड्यूज़ द सैग यानि आप वायर को ज़्यादा टाइटनिंग कर सकते हैं बट इफ़ टाइल स्ट्रेंथ इज लिटिल बिट लेस तो यू रिक्वायर टू रिड्यूज़ इट सैग बढ़ाएंगे जिससे कि कंडक्टर फ्लैक्सीबल रह सके एंड द टेम्परेचर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इफेक्ट ऑन द सैग अगर टेम्परेचर के बढ़ने घटने के साथ कंडक्टर क्या होता है एक्सपेंड होता है या कंट्रिक्स होता है सो इन बोथ द सिचुएशन कंडक्टर के एक्सपेंशन की वजह से टम्परेचर का आपका सैग बढ़ जाता है

ज़्यादा है तो आपका सैग भी इंक्रीज़ करेगा देन वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेंथ सैग इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेंथ इफ यू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर मैंने पहले ही बताया कि दो पॉइंट के बीच में अगर कंडक्टर को हम ज़्यादा टेंसाइल फोर्स बियर करने के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं पूरे लाइन सपोर्टिव सिस्टम को सो वी कैन रिड्यूज दैग एंड इफ योर टेंसाइल स्ट्रेंथ इज़ वीक

the conductor length will increase and the corresponding length in between the conductor tower it will increase so sag will increase so these are the factor and how it will be affected we have seen here so now there are two possibility of uh, sag uh, or how we can evaluate the sag so there are two uh, possibility first if the line supports or the towers uh, is placed on same height यानी सपोज़ अगर हमारा ये कंडक्टर है ये टावर है कंडक्टर इस हाइट पे है सो इफ़ योर कंडक्टर इज प्रेजेंट हियर कनेक्टेड हियर सो मीन्स द हाइट ऑफ बोथ द पोल मीन्स कंडक्टर जहाँ कनेक्ट हो रहा है ये आपकी हाइट सपोज इट इज़ एच वन एंड इफ इट इज़ एच टू सो द हाइट एच वन इज़ इक्वल टू एच टू यानी दोनों टावर का जो हाइट है वो इक्वल हाइट पे है तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सो इट इज़ अ सिंपल जेमेट्री कि यू कैन ड्रॉ अ कर्व इन बिटवीन अ पॉइंट पी एंड क्यू एंड यू कैन सी दैट कि पॉइंट पी ओ क्यू फॉर्म अ कर्व विच रिप्रेजेंट द कंडक्टर एंड द एल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड क्यू टी नॉट एंड टी इज हियर नाउ डी इज द सैग वैल्यू दीस पॉइंट विच इज प्रेजेंट हियर द लोएस्ट पॉइंट सो नाउ इफ यू टेक अ स्मॉल स्पेसिमेंट फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर सो डी एक्स डी वाई एंड डी एस सो यू कैन रिप्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ टी नॉट क्योंकि हमारा जो इस मान लेते हैं पॉइंट है जहाँ पर एक्स पॉइंट हम ले रहे हैं नाउ एट इज एट दिस पॉइंट हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्सेज विल बी अप्लाई वन विच इज डाउनवर्ड विच इज नोन एज अ वेट ऑफ द कंडक्टर One which is component uh, one component of the force which is horizontal and second is what? Vertical. So now what will be the this tension? So is page tension apply hoga with tangent hoga on this particular point. So, on the basis of this curve fitting, we can easily understand ki what will be the sag value. So, suppose w is the weight of the conductor, d is the maximum sag of the conductor possible, t is the लोअर पॉइंट ऑफ द कंडक्टर सॉरी एंड टी इज़ द टेंशन एट एनी पॉइंट ए एंड टी नॉट इज़ द टेंशन एट पॉइंट ओ यानी एक पॉइंट ओ है और एक कोई भी आर्बिट्री पॉइंट हम ए ले रहे हैं यहाँ पर तो इस पॉइंट पर जो टेंशन आपका अप्लाई हो रहा है सो वन इज योर टी एंड टी नॉट सो नाओ ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिगर कंसिडर ए स्मॉल सेक्शन ओ ए हमने लिया और इसको हमने एक लेंथ ले लिया एस

We can say that also d s square is equal to d x square plus d y square. So, if you put the values from there, equation number 5 and so we can say that d x will be equal to this one. Now, if you increase integrate the d x with respect to s and d uh, integrate the entire equation with respect to x. So, you will get x is equal to h by w sin h inverse or w s upon h plus k equation number 7. वेयर के क्या होगा हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ इमेजिनेशन है एंड फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन इफ़ एस टेंस टू ज़ीरो देन एक्स टेंस टू ज़ीरो अगर हमारा एस जो है ज़ीरो की तरफ जाएगा तो एक्स भी हमारा क्या होगा ज़ीरो होगा देन के इज़ इक्वल टू ज़ीरो सो एट पॉइंट ओ क्या कह सकते हैं एक्स इज इक्वल टू एच बाई डब्लू साइन एच इनवर्स डब्लू एस बाई एच इक्वेशन नंबर एट सो This equation number a represent the value of x. X is what? X हमने जो यहाँ पर distance लिया है point a का distance sag के point से. So as your x point, dx यानी ये जो x है ये reduce होगा. हमारा क्या होगा? ये value O पे आ जाएगा. So that will be the lowest point. So now on the basis of that, s is equal to x is equal to s. Put the value nine.

So, the length of the conductor is half span S is equal to S is equal to L plus this value W square L cube divided by 6 T 2 is equal to L 1 plus W square L square upon 6 T 2 equation number 2 and or we can say that S is equal to L by 2 plus W square L cube by 48 T square. So, equation number 13 that represents

We will get y is equal to this equation number 6, where b is the constant of integration. So, similarly, from the initial condition x tends to 0, y is equal to 0. So, if you solve it, you will get 17 number equation. Now, substituting the value of b from equation number 17 to equation number 16 here, so you will get the final y is equal to this value. So, on the basis of that, we can say that. कि वाई इजल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन टू टी साइन टी इज वेरी नियरली इक्वल टू एच सो सैग क्या होगा डी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन टू टी इक्वेशन नंबर ट्वेंटी इज रिप्रेजेंटिंग द सैग वेयर एल इज़ द हाफ लेंथ ऑफ द स्पैन सो अगर पूरे लेंथ के लिए निकालेंगे तो हम इक्वेशन नंबर ट्वेंटी वन को यूज़ करेंगे सिमिलरली वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अनइक्वल डिज हाइट हम यहाँ पर दूसरा केस ले रहे हैं कि अगर हमारे दोनों टावर डिफरेंट लेवल पे प्रेजेंट हो ये कब होगा कि किसी रिवर को हम क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज को क्रॉस करा रहे हैं लाइन को सो यू रिक्वायर टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द टावर एंड द प्रीवियस हाइट एट द टर्स एट द लोअर हाइट सो द कर्व इज फॉर्मिंग लाइक दिस वे सो द लोएस्ट पॉइंट विल बी शिफ्टेड हियर दिस पॉइंट सो देर इज एक्स वन एंड एक्स टू टू टाइम सो वन इन दैट सिचुएशन द हाफ ऑफ द स्पेन इज एंड बोथ द हाफ ऑफ द स्पेन आर एट द इक्वल वैल्यू बट हियर द बोध द स्पैन इन द डिफरेंट वैल्यू So, on the basis if you solve it the sag with respect to upper support d1 and d2, apnikal 22 23, difference calculate can d 2 minus d1. So, you will get equation number 24 and from figure x 2 plus x1 l. So, d 2 minus d1 is h. So, h will be can be possible to by the equation number uh, 25. Now, on the same way we can evaluate the X2 and X1, and once you will get the value of X1 and X2, then you can get the uh, for, uh, solve the in, uh, means uh, put the value of X1 and X2 in the previous equation, and you will get the answer. So uh, you can see that uh, keep, uh, this is the very mathematical calculation of this geometry. सो यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड मीन्स आप कर फिटिंग के प्रॉब्लम को अगर देखें और उसके बेसिस पे अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें सो यू कैन गेट द वैल्यूज ऑफ द मीन्स सैग और यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सैग एंड टेंशन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर चाहे आदर इट विल बी प्लेस एट द इक्ल हाइट और इट विल बी प्लेस एट द अनइक्वल हाइट सो फ्रेंड्स बिकॉज Uh, this requires a uh, lot of practice mathematical practice here so uh, you try to solve e uh, both the cases either in the equal support uh, equal height or for the uh, unequal height conditions in both the situation you will uh, try to uh, derive the equation by own and uh, you know, means th uh, then you will get uh, the right answer otherwise the final equation you can get in a form of equation number 27

And according to that you will select the conductor as well as the top uh, tower structure. So that is why this point or the, this topic is very important as well as the relevant to the mechanical design of uh, any transmission line. So uh, these things are taken by the following books, these are the reference books which, which I have preferred for the making this, these lectures. So you can uh, go with the, uh, this particular uh, these books. And uh, I hope uh, you will understand ki, uh, uh, how uh, the uh, conductor positions or the uh, conductor uh, position of the conductor on a tower will affect the entire design structure and the how it will be changed the overall tension and the uh, your sag calculation uh, things in a transmission line. So friends, this is a part one lecture. in part two we will discuss some more thing about the Mechanical design of a transmission line, uh, which is uh, related to your insulators, which is related to the other uh, things uh, uh, of the uh, system. So, thank you.